राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपनी चैनल लाइफ ऑफ रितु में आप सभी का स्वागत है। और अभी है ना, इस टाइम पर बज रहे हैं 1 बज गया है, जिस टाइम पर मैंने अपने ब्लॉग की जो है शुरुआत कर दी है। और बस अभी जो है नाई धोई थी और बस अपने जो जुराब जूते हैं वो पहन रहे, क्योंकि आज हमें जिम में छोम आए गए जूते बत कि सुबह उठते हैं चप्पला मान रहे हैं तो पर जूते को नहीं पहरे जाने के हैं, तो इसी करके बस ही जराब जूते पहरे रखा करूंगी मैं तो। मैं तो काट देनी क्योंकि मैंने इनकी डांट तो बहुत घना डर लग गया है बहुत खतरनाक है, हैं बहुत भूना छो है इनका, तो बस जो जराब है वो मैं पहन लूंगी और फिर अपने थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लूंगी जो मेरा रह रहा है। बस अभी चाय है वो बनाई है पी है। और ये देखो मैं पायल भी पहनूंगी, ये मैं रोज पहले करूँ पायल ना करना, उसके बाद फिर पायल भी मैं पहनती हूँ। हाँ, कल एक कमेंट आया था कि क्यों बकाओ मेकअप तो कर रखा है आपने, आप खुद बताने लग रहे कल वाला व्लॉग में, लेकिन है ना कल मैंने कर लिया था क्योंकि कल मेरे बाहर जाने की सलाह हुई थी, तो इसी करके ना कल मैंने लगा लिया था थोड़ा बहुत, नहीं कोने लगाया करती सच में ही, कोने लगाया करती झूठ कौन बोल रही मैं, इब भी कौन लगा रही, इब मालिश करी है मैंने ठीक है, तो झूठ कौन बोल रही मैं, तो सच मान लिया करो जो मैं कहूँ, और झूठ तो मैं बोले को नहीं करती पहली बात तो, या किसी पर भी पूछ लियो चाहे ठीक है ना। और बस जर्सी जर्सी है वो भी पहनूंगी और ये मेरा लड्डू बैठा है। तो जी अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी इस टाइम पे 3 बज गए हैं। बस बैठी बैठी सोचने लग रही थी कि माँ केक रू कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ काम में कौन था और आराम करने भी जी को नहीं कर रहा था, बैल लगने भी जी को नहीं कर रहा था, मगर चल रही तो खड़ी हो ले और कुछ खान पीन का सामान सा बना ले। और फिर मेरा ध्यान माई मखा, हाँ मिल्क पाउडर धरिया नुका खराब हो जाएगा, चल उसका कुछ बना ले। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो मैं उसके ना पेड़े हो ना जो पेड़े वह बना ले, तो बस अभी पेड़े बनाने की जो तैयारी कर दी है और अमित जी ने भी सरप्राइज दे देवांगे, मिठा खुआ देवांगे आज शाम में ठीक है। तो देखो मैंने तैयारी कर ली है पेड़िया की और अभी ना मैं आप सबने बैक कैमरा से दिखा दूँ मैंने केक के कुछ सामान लिया है और केक के नहीं लिया है, तो सारी डिटेल तो मैं आप सब ने बताऊंगी। मैंने कुक करके पेड़े बनाए हैं और वो तो मन कर रहा था मेरा मीठा खाने ने, कुछ बनाने जी कर रहा था, मीठा नहीं कुछ बनाने जी कर रहा था, मैं चाहे तो चटपटाए बना लूंगी मैं। और सर्दियां में तो नू है कि मैं गाल दे रहना चाहिए, मैं तो भुगड़े गालन की भी कहूँ, तिलकुटा गालन की भी कहूँ, लेकिन मेरी मिक्सी आज तक भी ठीक नहीं हुई है, देख लियो मैंने कितनी बार कह लिया इनते, फिर भी है मेरी सुन दे को नहीं, इस कान में को सुन यार इस मुँह को कट दे है, इसका ताला लगाना पड़ेगा फिर वह बात भीतर दिमाग में फिट होगी जाके ने। और देखो आज लास्ट बारी कह के देखूंगी, सिर्फ लास्ट बारी पक्का तो पक्का, फिर मैं नहीं कहूंगी जमा भी, अब फिर उलाना दी मैं, फिर तोड़े उलाना भी तोड़े दे दे मैं कि जाडा हो रहा है कि मैं गाल दी को नहीं, फलान को नहीं गाल दी, फटको नहीं गाल दी, भुगड़े को नहीं गाल दी, मगा पहले मिक्सी ठीक करवा के लियाओ फिर जाके ना चुप हुआ तो भी आज सरप्राइज दे देंगे अमित जी को, मीठा खिला देंगे आज शाम को और अमित जी भी बहुत राजी हो जाओगे ओ आज तो घर में बन रहा है तो काफी खुश हो जाओगे अमित जी भी देख कर। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। तो जी ये लो शुरुआत कर दी है मैंने और अभी मैं आप सबसे दिखाऊं कि पेड़ बनाने खातर मैंने के कुछ लिया है सामान। तो ये देखो इसमें है मिल्क पाउडर, तो यू अमूल का आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले इसको हो, जो कर जैसे आंगनबाड़ी में मिला है ना वो वाला मिल्क पाउडर ले इसको हो, यो भी मिल्क पाउडर ले सको हो, कोई सा भी ले इसको हो आप। और 2 चम्मच जो है देसी घी धर लिया है मैंने और ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे पास 2 ही थे, ये वाला मतलब ये वो है इलायची, हाँ तो इस यो एक्स्ट्रा है आप ले भी चना भी ले ठीक है। और ये बादाम रख लिया मैंने, आप ड्राई फ्रूट्स को कोई भी रख सको हो। और यो है चीनी, चीनी मैंने पीस ली है, पीस कर मैंने छान ली है ठीक है, तो 1 कटोरी जो चीनी है वो है और इसके हिसाब से ही मैं सब की मैं करूँगी, देख लियो या है मेरे पास में तो इसके हिसाब से ही मैं सब कुछ करूँगी। और तो चलो फिर रेसिपी बना दूँ आप सब ने बता दूँ दिखा दूँ कुकर बना कर रहे कुकर नहीं। तो जी हम एक जी दुकान से आए थे अभी चाय पीने खातर आए थे, लेकिन मैं माल बनाने लग रही थी उल्टे जाते हैं तो देख करना है, ये तो चाह मन दी है मेरे ख्याल से नुए सोच के थे तो चाय चढ़ा दी है मैंने, आज तामे भी पी लो आज
एक आधी बात है ना, मैं फोन पे ही लैट पड़ा है ये बड़ा लट्टू तार ही हो बिल्कुल जड़ाई हो ये जा रसोई में छोटा लट्टू से डाल ये ठीक हो जाए। घड़ी लाइट फेंक है एकदम टाइम जाए जाए ठीक है ओके काट देंगे। आज शाम को पेड़े खाना फिर बताना क्या अच्छी लगी पेड़ी। ओके तो जी जो पेड़े हैं उसमें ला रही हूँ गिलर गिलर जो चाय है वो उधर रखी है मैंने, और मैं ना रेसिपी से मैं ऐड तो कर दें दी लेकिन है ना फिर घना बड़ा व्लॉग बन जाए तो इसे चक्कर में मैंने इसमें ऐड को नहीं करी। तो मैं ना अलग तय बना कर ना रेसिपी की वीडियो फिर डाल दूँगी आपके पास में, क्या तो दोपहर 1 बजे पहुँच जाओगी या फिर क्या 3 बजे के आसपास तो पहुँचे जाओगी पक्का तभी पक्का। तो उसमें देख लियो आपकी मैंने कुकर के बनाए हैं कितनी मेहनत करी है। तो है ना उ बाकी बन तो गया था ठीक, स्वाद भी बने थे लेकिन है ना डो बन में घने टाइम लग गया था यो जो इसका आटा सेकर डाउन में जिसके पेड़े बनाने हैं तो करना उनमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो जो चाय है वो मेरी बनकर तैयार हो गया, बस अब अमित जी तक मैं डाल कर दे दूंगी चाय। और मैं अपने डोलू धोन चली गई थी इतने अमित जी ने संभाल रहे थे भी हलवाई जी तो मेरी हेल्प करवा दिया अगर ऐसी बात नहीं है, आप काफ़ी बार देखो भी हो अधिकतर काम तो एक आधी बार चढ़ा चढ़ा कर वो जीवा करवा ली हूँ, बाकी एमरजेंसी में ये करें हैं ये नू को नहीं कर दे जब मेरे मैं बीमार हो ना तब तो ये कर दे मैं है नहीं, बाकी तो अधिकतर मैं ये करा करूँ। तो अभी जो है ना पेड़े बस मेरे बन कर तैयार हो जाएंगे, ये जो ड्राई फ्रूट है वो काट लूंगी मैं और उसके बाद मैं जो इबे जो बने ना मेरा डोसा ये देखो कड़ा कड़ा सा बन रहा है ये देखो ये मैंने ठंडा होने खातर धर दिया है और तोला ही ठंडा हो जाए अगर मिल्क पाउडर दो तो भी वो तोला ही ठंडा होकर थोड़ा कड़ा सा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सही जो करा चूनी गुंदा करा आटा गुथा करा तो उसकी डाल हो जाएगा, फिर जो पेड़े हैं फिर बनावांगे और इतने जो है ठंडा हो इतने मन सोचा कि चलो टाइम भी बच जाएगा और बादाम है जो इन्हें चीर लूं मैं थोड़े मोटे मोटे चीरूंगी। काजू कतली है कुछ वो बना ली थी मैंने और कुछ जो है एक ट्रे है जो वो पेड़े की बना ली थी। देखो ये पेड़े तो मैंने बना दिए सारे, जो काजू कतली है ना वो बना दूंगी मैं प्लेट में धर कर ना, बस चाकू के साथ में जो कट है वो लगा दिए थे और ऊपर तक जो बादाम है वो लगा दिए थे। हाँ बाकी जब काजू हो दे ना फिर तो के टेस्ट आवर काजू मैं सूडगी सारे के सारे सारे ख़त्म कर दिए मैंने तो एक भी नहीं छोड़ा क्योंकि काजू है ना मैंने बहुत घने पसंद है काजू किसमिस हो गया। हाँ बस बादाम इतने अच्छे को नहीं लगते मैंने और बाकी बढ़िया लग गए हैं और बस अभी जो कट है वो लगा दूंगी और उसके बाद में मेरे बनकर तैयार हो जाऊंगे। बाकी है ना मैं आपने दिखाऊंगी किस तरह बने हैं वो तो बाद में देखियो आप किसे किसे बने हैं वो आगे आप व्लॉग में देखियो मैंने दिखा रखे हैं ठीक है लास्ट तक देखियो जमा व्लॉग ने। और पेड़े बनाने में मिठाई बनाने में ना मैंने 2 घंटे आराम तक लग गए हैं क्योंकि है ना कदियो जाकर ने सीढ़ा आया फिर मैंने मिठा मट्ठा मिलाया इसमें तो ही मैंने मेरे बन के तैयार हो गया सारा, बस इब जो पेड़ा की शेप है ना वो देने लग रही हूँ मैं और सारे बना दिए थे मैंने काफ़ी सारे बन भी गए थे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लगा दूंगी मैं, पहले सारे बना लिए थे फिर उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वह डाल दिए थे मैंने और साथ में जो केक है उसने। तो ये लो जी कि मैं पेड़े खा लो और कि मैं बर्फी खा लो दोनों चीज बना दिए जिसने जिसने खानी है वो खा लो और मैंने भी खा कर देखा जम्मू कत्ती एंडी गजब बन रही है। बाकी अमित जी पर भी पूछा है किसे लग गई उनने मैंने तो काफ़ी अच्छी लग गई है 2 घंटे लगे पूरे पूरे 2 घंटे बनाने में। तो लो जी आ जाना मेरे भाग खुल गए हैं अमित जी बैठ गए मेरे मिक्सी ठीक कर ये देखो आज नो कुकर के ध्यान भाई देखियो इन्हें का काम है रे इन्हें का काम है जैसे मिक्स से ठीक होने लग रही है नहीं है ना मैंने भिन्ने हो गए कंधी ने जमा नहीं कर दे आप देखे देखे सुधे उड़ के दिखा देख लो इनका मुंह देख लो ये देखियो ये देखियो हरिओ हरिओ लट्टू देख लो ऊपर से सह रखा है फोन कड़ा अटका रखा है देखियो या मिक्सी हो गया राड़ा फोन अटका रखा है।
अरे लग रहे ठीक कर तो धंधे हो गए गारंटी चाल पड़िया लो। अच्छा ठीक नहीं हुई तो मेरे रुपये उल्टे ले लूंगी। रुपये कब दिए थे? ठीक है मैं कंधी हो नहीं। अच्छा सुन आपने एक सवाल पूछूं हैं? अगर आप इंटेलिजेंट हो तो मेरे सवाल का जवाब दे के दिखाओ। पूछ रहे पहले इस लाइट ना बंद करो। पूछूं आप बताओ कि पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परोठा। नहीं प्योर इंग्लिश में क्या बोले इसने पराठा ने इंग्लिश में क्या बोला है बता बताओ। कुछ भी बोल दो मतलब खाने का मतलब है। बताओ भी पराठा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? PRATHA पराठा। मैं बताऊं परांठा। अंग्रेज मेरे क्या आ रहा है परांठा। क्या बोलते हैं परांठा? क्या दोबारा बोलियो परांठा। अच्छा सुनो पकोड़ा ने क्या बोल रहा है इंग्लिश में? इसमें तो बिल्कुल प्योर शब्द है इसका अंग्रेजी ना ना इसका इंग्लिश में शब्द है बताओ क्या बोल रहा है। मन्ना कौन कह रहा? मैं बताऊं बस आ गए पकोड़ा। क्या बोलते हो ताना? पकोड़ा। नहीं पकोड़ा पकोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टट्टू बोल रहे हैं। इनका डायलॉग है यू है नहीं? पागल 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 वो मैं काम कर ना मन्ना ना कोई हमारी अंग्रेजी किसी लाइक जरूरत आई हो कमेंट करके ना। ठीक है और भाई गाना ने भी प्यार दे दो अपना दे दो कि मैं नहीं जानता एक बार अटका फिर देख लो और शेर अटका फिर कर दो। ठीक है और प्लीज भाई कर दो थोड़ा शेर माटी कटवा दी जमा। माटी क्यों कटवा दी? और 20,000 रुपया अटक गया। हाँ 20,000 रुपए अटक रहा है बाकी मेहनत बहुत लग रही है उस गाना पे नहीं मैंने तर कमाई बहुत घड़ी लग रही है बस पूछो ही ना। ओके जी फिर मिलेंगे आप सब नए कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर आप सब ने हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वही लाइक कर जाइयो कमेंट कर जाइयो शेयर कर जाइयो और चैनल ने सब्सक्राइब कर जाइयो। खुद का न मत करो ठीक है जी काम लग रहा था। ओके मारी नोक जोक तो नुए चलती रहोगी अपने आराम से वीडियो देख लो फिर उठ कर काम कर लो। ठीक है ओके जी बाय बाय टाटा टेक केयर बाय बाय कर दो बाय बाय हाँ।